हाय एवरीवन, मैं हूँ आरती और स्वागत है आपका स्वाद रेसिपीज में। तो आज हम बनाने वाले हैं खस्ता और क्रिस्पी दाल वड़े की रेसिपी। तो चलिए ये दाल वड़े कैसे बनाना है वो देखते हैं। तो दाल वड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी चना दाल को दो बार पानी से धो लिया और धोने के बाद पानी में मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगाने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर 5 घंटे हो गए हैं और 5 घंटे में हमारी दाल बहुत ही अच्छे से भीग गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमें इस भिगाई हुई दाल को डाल देना है एक छलनी में और इस दाल में से पूरा पानी निकलवाने के लिए हमें इस दाल को छलनी में फैलाकर 10 मिनट के लिए रख देना है। और उसके बाद एक ग्राइंडर लेना है और ग्राइंडर में डाल देना है 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। उसके बाद 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 2 से 3 अदरक के स्लाइस और उसके बाद 4 से 5 हरी मिर्च डाल देनी है और 7 से 8 करी लीव्स डालेंगे। अब ये सारे मसाले हमें बिना पानी डाले ही दरदरा ग्राइंड कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने मसालों को ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हो मैंने दरदरा मसालों को ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड किए हुए मसालों को अब हम निकालेंगे एक बाउल में और बाउल को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। और यहाँ पर हमारे दाल को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट में हमारे दाल में से पूरा पानी निकल गया है। और बाद में हमने जिस ग्राइंडर में मसालों को ग्राइंड कर लिया था वही ग्राइंडर हमें लेना है और इस दाल में से आधी दाल ग्राइंडर में डाल देनी है और बिना पानी डाले इस दाल को हमें दर दरा ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दाल को ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हो मैंने इस टाइप दर दरा हमारी दाल ग्राइंड कर ली है। दाल वड़े बनाने के लिए हमें इस टाइप ही दाल को ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड की हुई दाल को अब हम निकालेंगे हमारे मसाले वाले बाउल में और जो बची थी हमारी दाल उसको भी मैंने दर दरा ग्राइंड कर लिया है। अब इस दाल में हम डाल देंगे 2 बड़े साइज के एकदम बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को बारीक काट कर डालेंगे तो हमारे वड़े क्रिस्पी भी बन जाते हैं और साथ ही साथ टेस्ट भी बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और बाद में इसमें डाल देना है 4 चम्मच चावल का आटा। चावल के आटा से हमारे दाल वड़े बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। और उसके बाद 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमें इस आटे में बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना पानी डाले ही हमारे दाल वड़े का मिश्रण हमें ऐसे इस तरीके से जोड़ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिना पानी डाले ही हमारे दाल वड़े का आटा है वो बनकर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हमारा एकदम परफेक्ट दाल वड़े का आटा बनकर रेडी हो गया है। अब हम वड़े बनाना शुरू कर लेंगे। वड़े बनाने के लिए हाथों पर थोड़ा सा हमें ऑयल लगाना है और उसके बाद जितने साइज़ का हमें हमारा वड़ा बनाना है उतने साइज़ का हमें आटा लेना है और आटे को पहले हाथों पर इस तरीके से मुलायम बनाकर तैयार कर लेना है और बाद में दोनों हाथों के बीच में इस आटे को इस तरीके से दबाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारा दाल वड़ा बनकर रेडी हो जाता है। तो इस वड़े के साइड की कड़ा है उसको भी हम इस तरीके से हाथों पर घुमाकर स्मूथ बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट वड़ा बनकर रेडी हो गया है। तो इस वड़े को अब हम प्लेट में रख देंगे और सेम प्रोसीजर से हमें बाकी के सारे दाल वड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 दाल वड़े बना लिए हैं। अब मैं आपको इन वड़े को ऑयल में तल कर दिखाऊंगी। वड़े तलने के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से ही गरम कर लिया है। गरम ऑयल में हमारे दाल वड़े को हमें धीरे से इस तरीके से छोड़ना है और वड़े को तेल में छोड़ने के बाद गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और इन वड़े को हमें 1 मिनट तक तलने देना है। 1 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे दाल वड़े का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इन दाल वड़े की अब हम साइड चेंज कर लेंगे और इन वड़े को हमें दोनों साइड से लो फ्लेम पर ब्राउन होने तक तल लेना है। तो यहाँ पर मैंने वड़े को ब्राउन होने तक दोनों साइड से तल लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मसाला दाल वड़े बहुत ही अच्छे तल चुके हैं। अब इन मसाला दाल वड़े को हम निकालेंगे बड़े वाले जारे में और सेम प्रोसीजर से हमें बाकी के दाल वड़े भी तलना है। अब इन दाल वड़े को अब हम निकालेंगे सर्विंग प्लेट में।
तो यहाँ पर मैंने थोड़े से मसाला दाल वड़े तल लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे मसाला दाल वड़े कितने अच्छे बनकर रेडी हो गए हैं, एकदम खस्ता और क्रिस्पी। और खाने में ये दाल वड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये दाल वड़ा तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे हमारे दाल वड़े बनकर रेडी हो गए हैं। तो इस दाल वड़े की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको मेरे दाल वड़े की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।